एक आदमी सुधीर साहब से बात करता है कि आजकल काम नहीं मिलता, तो बुजुर्ग जवाब देते हैं कि कामों के बहुत हैं लेकिन सच्चे मरीज की है। हाँ, ये सच्चे मरीज की तारीफ है। देखो यहाँ जो है ना, सच्चे मरीज की लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, सच्चा मरीज ही मिलता। बात यह कि मौलाना रूम का वाक्य आपने देखा कि आप बड़े आलम दीन थे, बड़ा ही मतलब हदीस में फिका भाते थे, अपना मदरसा था, तो वहां पर एक दिन पढ़ा पू रहे हैं, एक दरवेश आ गए, अब मजूब दरवेश, उन्होंने मौलाना से कहा ये क्या है तेरे पास किताब शिताबें रखी थी बेशुमार, कहते ये तू क्या जाने, तू दरवेश आदमी ये क्या है, बहुत आला बात है, नोट्स हैं, हदीस है, फिक्का है, कुरान है, तफसीर है, वो क्या है, मैं तुझे क्या बताऊँ ये क्या कुछ है, तू तू इसे जाने ये जाने के जाने। अच्छा उन्होंने क्या काम किया, वो सारी किताब उठा के पानी में डाल दी, तालाब में, बच्चा चैन में, मौलाना ने चीखा लगानी शुरू कर दी, बेड़ा कर को तबाही बारी, मेरी जिंदगी भर की बातें चली गई, नोट चले गए, ये चले गए, बता जा रहा है घर तो जाए। जब रोए ज्यादा उन्होंने उठाया, हाथ डाला, किताबें खुश निकाल ली पानी से, मौलाना हैरान था ये क्या है, तू क्या जाने ये क्या है, तू अपना कारोबार कर, इतना क्या कि मामी चले गए। कहते हैं 2 साल 3 साल मौलाना उसके पीछे, वो आगे पीछे वो आगे, बड़ी मुश्किल से झाके बदले पे मौलाना ने उसको पकड़ा कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं 3 साल से बदले में तेरे पीछे फिर रहा हूँ, तो मुझे अपना बदले पे अपना बना लो, मेरी कर जो कर लो। कह लगे तू 3 साल से मेरे पीछे है, तो मैं तो 25 साल से तेरी तलाश हूँ। तो बात इतनी सारी है कि जो सच्चा पीर होता है वो सच्चे मरीज की तलाश करता है, तो सच्चा मरीज के मतलब ये बड़ी रेयर चीज होते हैं, सच्चा पीर तो मतलब और चीज है, वो और चीज है। तो एक दफा एक आदमी के बुजुर्ग गए इनके पास, बाबा साहब के पास, बाबा फरीद गंज शकर के पास रहमतुल्लाह अलैह, तो गए इनके पास, उसने आते ही मतलब उसको दे दी बात, मुझे सिंह सात पास बैठे हैं जो सरकार का माल है, हम जहाँ बैठे बैठे हुए हैं इतनी मुदत होगी हमें यह बात नहीं, उसको आधी मतलब दे दी, बोला बचा रहा है। कहने बात जब आया था ना, मैं तो मतलब एक आग दिखाना मेरा काम है, वो उसकी लकड़ियां खुश्क थी, वो आग लग गई उसको, तुम वेट ब्लैंकेट और गीले कंबल, तुम्हें तो धुआं ही नहीं लगता कि मैं क्या करूं। तो अच्छा मरीज कौन सा होता है, जो उस बात को लेके अपने इस्तेमाल कर ले। बुरा मरीज वो होता है जो पीर साहब को पकड़ के उन्हें कहा कि मुझे ये रास्ता बना दे, नौकरी लेके दे दो, ये पानी का गिलास ही होना चाहिए, आपकी कोई वाकई नहीं है मिनिस्टर के साथ किसी के साथ। अच्छा पीर जो है वो बिल्कुल और है, बुरा मरीज और है। मरीज अच्छा कौन सा होता है, जो एक मरीज थे यहाँ पर मियां मीर साहब के साथ, वो से पूछा बात यह है तेरा पीर कौन है, पीर मेरा अल्लाह है, वो बड़ा लोगों को माइंड किए थे मियां मीर साहब को अल्लाह कह रहा है, और अब पता क्या उसका मरीज है गिर गया कौन है, तेरा अल्लाह कह रही है बड़ा कलमा कुफर कह दिया, वो गया उनके पास ये मेरे साथ, देखो आपका ये मरीज आपको अल्लाह कहता है, पूछा बताओ क्या पीर का नाम बताओ, कहते अल्लाह, ये तो आपको अल्लाह तो बात यह है कि इसका यह इरादा है ना मेरे पास आने का, ये अल्लाह के लिए है, तो इसकी मंजिल अल्लाह है, तो इसका इसके जो है वो भराए अल्लाह है। तो अच्छा मरीज वो होता है जो अल्लाह की खातर ही पीर के पास जाए, उल्लू का पट्टा समझे, क्या बात समझाई, मतलब अगर ये आरजू दुनियावी आरजू निकल जाए अल्लाह की रज़ा के लिए चला जाए इंसान, अब पीरों के पास किसी पीर के पास, अब फिर क्या हो गया वो अच्छा मुरीद, और मुरीद तो इरादा तो अल्लाह का होना चाहिए ना, तो वो जिसका रास्ते का इरादा है वो रह गया, तो इरादा किस बात का होना चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बस इसमें यही रास्ता है, सही रास्ता वही है, क्या रास्ता है मतलब पीर के बाल, कहते पीर के बाल हमें नहीं पता अल्लाह कितने रसूल की तरह, हम तो पीर ही पीर है, ला इलाहा इल्लल्लाह पीर रसूलुल्लाह, मेहरबानी करो, इसलिए अच्छा कौन है, कहते हैं कलमा पढ़ते हैं लोग, क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पीर रसूलुल्लाह या शेख रसूलुल्लाह, ना अच्छी बात नहीं करनी है। तो असल मंजिल जो है ये आप वही होनी चाहिए और अल्लाह की मंजिल होनी चाहिए, पीर की तलाश इसलिए है
कि रास्ता आपका दुरुस्त हो जाए। अब बात समझ रहे हैं, इसलिए अच्छा मरीज कौन सा होता है? और जो दुनियावी आलाशों से निजात के लिए पीड़ित तलाश करे, दुनिया की गिरफ्त से आजाद होने के लिए। अब बात समझ रहे हैं, तो अच्छा मरीज जो है ये बड़ी अच्छी चीज होता है। तो कुछ होते हैं पेशेवर मरीज, पेशेवर मरीज की बड़ी आप बात की है, और वो हर पीड़ के पास बैठे होते हैं, पास चले गए, आपके पास आपके पास चले गए, हम उसके पास चले गए। अच्छा मैं आपको कोई मजा नहीं कर रहा हूँ, आप जहाँ से मरीज जाकर मैं आपके पैसे अच्छी बात कर रहा हूँ। इधर हमने देखा एक आदमी को, वो बैठा हुआ जनाब एक बुजुर्ग की महफिल में, कवाली हो रही है, रात भर कवाली होती रही है, नमी दानम से मंजिल बूद शब्द जाया के मंजिल, और वो मौलवी साहब से डायरेक्टिंग थी, वो जो आदमी था वो भी झुमझाम रहा था। तो जो मीरे मंजिल थे ना वो अपी साहब थे, चिश्ती खानदान, सुबह हुई जाओ मौलवी साहब कहने लगे, पीर साहब जी आप मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करे। पीर साहब ने कहा तू कौन से सिलसिले में है, आप इनके मुरीद हो? कह जी मैं नक्शबंदी तरीके। पीर साहब ने उसको बहुत बुरा लगा, बड़े तू दोबारा जाके बैठ कर क्या, तुझे नक्शबंदी सिलसिले में बताया गया कि तू कवाली में नहीं बैठना, और तू फिर कवाली में जाके बैठ गया, तो फिर ये तेरे लिए अच्छी बात नहीं हुई है, तू अपने पीर का मुजरम हो गया। तो ये जो बात बताए उस रास्ते पर करे, एक बात पर दूसरी बात को लगा देने वाला आदमी जो है ना ये झूठा मरीज होता है। तो इसलिए सच्चा मुरीद जो है ये हर जगह से झूठे पीर से भी मंजिल ले सकता है। क्या करता है सच्चा मुरीद, क्या कर सकता है? झूठे पीर से भी मंजिल ले सकता है, सच्चा इस्तकामत के साथ अल्लाह के नाम पर चलना है। तो बड़ी रेयर चीज है सच्चा मुरीद, सच्चा हो जाए तो पीर खुद बखुद सच्चा हो जाएगा। बेशुमार पीरों को मुरीदों ने सच्चा किया, और बेशुमार पीरों और मुरीदों ने गुमराह किया। अब आपको सोच लो कि क्या होता है, मुरीद मुरीद बड़ी अच्छा होता है, तबाह करके रख देता है पीर को और बना के रख देता है, फटाफट पीर को टेलीफोन किया कि हाँ आप देखो बड़ी मुश्किल केस बन गया बच्चे के ऊपर, बच्चा आपके पास भतीजे बैठे रमजान लाया है बच्चे के ऊपर केस बन गया, कहोगे किसी पुलिस पुलिस का, तो पीर साहब को गुमराह कर दिया, खुद ही जालिम था। पीर आम तौर पर आने वाले के लिए दुआ करते, दुआ करो जी, और ये जो दुआ का अमल है उनमें से अक्सर पीर जो है उनकी दुआ मुझे भी रहती, क्योंकि घर वक्त इबादत में रहना है तो इबादत उनकी दुनियावी जरूरत भी जाती है। देखो ना जिस आदमी के पास 15-20-100-50 बंदे आते जाते रहे, वो बेचारा क्या घुमराई कर सकता है, रास्ते बंद हो गए उसका। जिसको शहर में सारे कहें नेक आदमी है, वो शहर में किसी जगह सिद्ध में नहीं रहता, इन सारे कहें पीर साहब जा रहे हो, पीर साहब होने की वजह से बेचारा बहुत सारी जगह से नेक ही हो जाता है, खुद बखुद ही मिजाज उसका नेक बन जाता है, एक ही जरूरत बन जाती है। तो पीरों की आमतौर पर दुआ मंजूर हो जाती है, तो यहाँ से पीरों को घुमराह यह किया कि उसने कातिल के निजात की दुआ कर दी, वो कातिल आजाद हो गया, मकतूल का हक किधर गया? जहां से आके बदले में पीरों को यूं गुमराह करते हैं कि उनसे मोहब्बत करते हैं, मुरीद उनके दोस्त बन जाते हैं, फिर ऐसी दुआ करवाते हैं किसी न किसी का हक जाना मंजूर हो जाता है। अब आज समझ रहे हैं, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए मुरीदों को कि दुनियावी निजाम जो है खुद बखुद ही चलाओ। अपने बात नहीं है कहते बच्चा था इससे कत्ल हो गया, नहीं बच्चा है लड़ते थे दो बंदे पे पिस्तौल चल गया, बच्चा ही है इसमें तो क्या है, वो पीर साहब का कोई बात निजात होगा, निजात होगी वाकई, और मजदूर का इसलिए यहाँ से घुमरा होते पीर खाने जो है ना उन्होंने यहाँ से अगर कोई बात सारी कि उन्होंने दुनियावी तौर पर अपने दोस्तों को महबूबों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बात आई गई होगी सारी। असल बात ये नहीं थी, असल बात ये थी कि खुदा के रास्ते के लिए लोगों में तरबियत पैदा हो अल्लाह का अल्लाह करने के लिए, अल्लाह के राह के लिए। दुनियावी तौर पर एक दूसरे को फरोग देना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो कोई जमात कर सकती है। फिर ये जब लोगों को समझा कि जमात के साथ हो जाता है तो सिख या हिजब बन गए इस्लामी दुश्मन, बाकी जमात जमात को तकबीर देती है, छोटी जमातें बड़ी कामयाब होती है। ऐसे कहा जानी जमात, अब काफर तो हम कह रहे हैं उसको, तुम काफर कहते रहो हजार बार, उनका कोई आदमी बीमार हो जाए तो सारे उसकी खबर लेंगे, कोई गरीब हो जाए सारे उसके पास जाएंगे, और जो वादा करेंगे तकरीबन पूरे ही करेंगे,
और मुसलमान उसके ना वादा करेंगे अच्छा याद ही नहीं रहा मुझे क्या वादा अच्छा आपके पास आना चाहो मेरे तुझे बताया था जनाजा चार बजे होने फिर वो बिल्कुल याद ही नहीं रहा मुझे अपने जनाजा की याद नहीं है। ये जो वाक्य है ना छोटी जो जमातें होती हैं ज्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं और ज्यादा मामन होती है दूसरे की और ये जो है ना मतलब बेचारे गुरूर में मुसलमान आलम जो है गुरूर में कभी आपस में लड़ते हैं कभी राग राग हो जाता है कभी ये हो जाता है कभी वो हो जाता है और एक दूसरे गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं गुरूर अभी पड़ा हुआ है तो। अब तो बात समझाई इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा मुरीद वो होता है जो पीर से शोबा इलाहियात की बात करें क्या बात करें इलाहियात की बात करें दुनिया की बात ना करें क्योंकि पीरों के पास आमतौर पर आते हैं दुनियादार भी आने हैं वजीर भी आने हैं बादशाह भी आने हैं तो अगर कभी आ जाए जनरल साहब मिसाल के किसी पीर के पास तो फिर मुरीद जाने का जो माशाल्लाह छोटी सी बात है एक दरख्वास्त अगर आप में कोई आदमी हो ना कारीगर आदमी यानी कुछ इफेक्टिव आदमी आप कुछ देर के बाद देखोगे इफेक्टिव आदमी के पास उसी महफल में से लोग जाने मिलने शुरू जाएंगे आप वहां होते हो माशाल्लाह 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 छोटा सा काम है अगर आप वो बेचारा मतलब मोहब्बत नामे महल पे काम करता जाएगा काम लेके चलता जाएगा तो दुनियादार मुरीद वो होता है जो पीर साहब के मुरीदों से भी दुनिया वसूल करे वो अल्लाह अल्लाह के बसी भी जाते हैं बंदे इकट्ठे करते हैं अल्लाह के नाम पर और चक वसूल कौन करता है वो झूठा मुरीद होता है नहीं बात नहीं तो बात समझ आ रही बात समझ आ रही समझ आ रही आ रही वो चक वसूल करता है वो बाहर में जाकर सरगोशियां करता है आप कहाँ पर हो आपकी बस है हाँ हमारी बस चलती है चले पिंडी जाने मैं इनका चलो आपसे मिलता जाऊंगा वो क्या कहेगा भैया साहब के पास देखा रहा इसको तो मिलता जाऊंगा तो कहो हाँ जी आप बैठो फिर जाने भाई ये है झूठा मुरीद ये कौन होता है झूठा मुरीद होता है और सच्चा मुरीद क्या है कि तौहीद की बात करे अल्लाह की बात करे अल्लाह के रसूल की बात करे तो खुद ब खुद ये काम सारे होते चले जाएंगे पर नियत जो है अल्लाह होनी चाहिए और अल्लाह का भी ये सच्चा मुरीद की बात है सच्चा मुरीद बहुत रेयर होता है नायाब होता है दादा साहब के पास कुरस में कभी चले जाओ ना सारे मुरीद दादा साहब को गंज बख्शे फैज आलम मजहर दूर खुदा नाब सारा पीर कामल कामल आ रहा रहनुमा आप अंदाजा लगाओगे वहां खड़े हो गए एक ये अंदाज तस्वीर ऐसे अंदाजा लगाओ कि दादा साहब गेट पर खड़े हैं आप दूर सवाल दे वो कहते हैं मिसाल के तौर पर कहते मेरे पास बंदा है कोई सारे जुलूस भी लांगे के चले जा रहे हैं और बाकी कोई अजीब भी खवाली के पास चले जा रहा है कोई बाहर जिसके खाने के चले जा रहे हैं और कोई थिएटर देखने चले जा रहा है तू कहता है थिएटर मेला लगा हुआ थिएटर आप चक्कर लगा दे दमाल डाल दे चल जाए दादा साहब ने कितने पूछे जनाब आपका क्या हाल है सारी चीजें पूरी ने कुछ चादर लेके चल जा रहे हैं कोई आगे शेयर करते जा रहे हैं मतलब दस्तार बंदी करा रहे हो कोई वैसी मतलब नान का मौका हो जाए अलादल क्या सारे के सारे झूठे मुरीद सच्चा मुरीद जो है वो होता है जो ये कहे एक मुरीद सच्चा है सर आज अमीर उनकी चिर अंदर है मतलब आए और वो मंजिल लेके चले गए हिंदुस्तान सारा मुसलमान कर दिए मियाँ साहब शरीफ कुछ नहीं पहले तशरीफ लाए मतलब बेचार आए गए आपको लालम रोशन होगी बात ये तो हो गए सच्चे मुरीद की बात बाकी ये सारे के सारे जाते हैं लंगर पैसा वाकयात दस्तार बंदियां बस इधर के उधर उधर के इधर कौन से क्या झगड़ा पे पेशेमानी हालात सारे के सारे झूठे मुरीद कुल्लुहुम आप समझ रहे हैं तो ये आके देखिए कैसे वहां जाके दुआ करनी चाहिए दुआ करनी चाहिए तो दुआ घर पर ही करो उस बुजुर्ग को खाम मुखा तुमने इंतजार करना है वो मैंने जिस काम के लिए थे वो काम उधर दे दिया नहीं है उस बुजुर्ग का कोई काम नहीं किया वो अल्लाह के नाम पर दादा साहब की कब्र पे आए थे आप बताओ नहीं आए थे दादा साहब काम पे आए थे और वो काम किया अल्लाह के नाम का मतलब वाक्य था यही था ना किसी मजार पे नहीं आए थे और अल्लाह के मतलब पैगाम तबलीग लेके आए और अल्लाह का दीन बुलंद करने के लिए आ गए दादा साहब मतलब इसलिए यहाँ पर नहीं आए और ये जो जाने सारे कुछ दुनियावी मसाइल है तो वहां देखे कौन ये गाड़ी उसकी वो अपने वही है और जो है तो वही है आपको सरकार ने सलाम का है वो बेचारा नया नया उसमें गिरफ्तार होता है सवाल सुभान अल्लाह मेरी जो मंजूर हो गया उल्टे पांव जाने वाले कहते मतलब आपको सलाम हो गया दूसरे दफ्तर में बैठ रहा था कैसे जा बात नीचे बजे आप छोड़ो झूठे मुझे की बातें लंबी कहानी है ये बहुत लंबी कहानी है झूठे मुझे कहते सरकार वीर साहब के पास जाएंगे कहते माशाल्लाह
ये कहानी सुनाने वाली नहीं है, झूठे मरीज की कहानी। सच्चा मरीज है, झूठा मरीज है, झूठा पीर। कहता बस क्या बात थी, वो बुजुर्ग ने बताया, कहता एक आदमी को हमने देखा झूठा पीर झूठे मरीज में बैठे। मैं गया, मैंने देखा कि वो सारे दुनियादारी की बातें कर रहे थे, पीर भी झूठा मरीज भी झूठा, और अपनी तारीफ करता जा रहे हैं, और मरीज उसकी तारीफ के शोभे उड़ाते जा रहे हैं। कहते बुल्ला आप क्या बात है, हमने आपको रातों साहब में देखा था, आप क्या बदले पे ये बात, हाँ माशाल्लाह, और बदले पे आप भैया। वो आदमी कहानी लिखने वाला कहता है मैंने भी वहां पर एक कथा सुना दी उनको। मैंने कहा सरकार मैंने भी आपकी बात को, मैंने आपको उठते हुए देखा, वो पीड़ता ने मरीजों का देखो सुनो इसकी बात क्या कह रहा है, पीड़ा था। मैंने कहा इसकी बात सुनो, मैंने आपको प्रवास करते हुए देखा, और मैं आपके पीछे पीछे बदले में आया, जैसे दम पकड़ के उठा परिंदा, मैं भी पीछे पीछे आके जा रहा, लेकिन आप बहुत बुलंद प्रवास थे और मैं भी बदलेगा, बस में बड़ी आसमान की सैर करवाई आपने मुझे, मैं आपके पीछे पीछे जा रहा हूँ और आपने मुझे भी सैर करवाई, बड़ा बदले में मुझे कहा देख सुनो इसकी बात देखो, ये भी आया इसे नहीं पता हम इतनी बुलंद प्रवास रहते, देखो किसे कहते। फिर उसके बाद जकड़ा प्रवास खत्म हो गई और हम वहां से गिरे दोनों, और आप शायद में गिरे और मैं कीचड़ में गई, पीछे का सुनना मैं शायद में गई कीचड़ में गई। फिर खाब खत्म हो गया, थोड़ा तो बाकी रह गया, और फिर आप मुझे चाटने लग गया, मैं आपको चाटने लग गया। मेरी सी कहानी है, बात जरूरी है कि झूठा मरीज झूठा होता है, सच्चा मरीज सच्चा होता है, झूठा फिर झूठा होता है, सच्चा सच्चा होता है। बारह झूठा नहीं होना चाहिए, इंसान नहीं होना चाहिए, अच्छा तो झूठे इंसान की सजा है खुशामद, झूठे का अमल है खुशामद, खुशामद करने वाला झूठ बोलता है। इसलिए अल्लाह की राह में आपका हक है अल्लाह की राह तय करना, यही एक वक्त है अल्लाह की राह तय करने का, मरने के बाद राह नहीं होगी, आप फिर आपका जो है सफर खत्म हो जाएगा, तो आप अल्लाह की राह पर मिलके बैठा करो। एक बार बात बताता हूँ, एक दफा अजूर पाक से तशरीफ ले गया, कुछ लोग बैठे हुए थे, आपने उनसे कहा आप लोग क्या कर रहे थे, उनका ये हम अल्लाह के जरिए कर रहे थे, आपने फरमाया और कोई बात नहीं थी आपके दरमियान, यानी जी हम अल्लाह के जरिए कर रहे हैं, कोई दुनियावी कारोबार नहीं था, उनका नहीं जी हम सिर्फ अल्लाह के जरिए कर रहे हैं, उनका सिर्फ ही अल्लाह के जरिए कर रहे थे, उनका हाँ सिर्फ हम तो अल्लाह के जरिए कर रहे हैं। बड़ी देर आपने कहा कि आपको मुबारक हो और आपके लिए सलामती हो और अल्लाह ताला आप पर बहुत कुछ हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया कि जाओ उनको मुबारक दे दो कि वो सिर्फ मेरा जिक्र कर रहे हैं और उनका जिक्र बहुत कबूल हुआ है, जो मेरे जिक्र के अंदर दुनिया का जिक्र नहीं लाते अब वही मेरा जिक्र करने वाले हैं, आज दुनिया दुनिया है और दीन दीन है, अब तो बात समझ आई। तो मतलब यह है कि वो जो सिर्फ अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम के लिए आज चले गए वही लोग फुला पा गए, बाकी तो यहाँ का छोटा आदमी अमीर आदमी बड़ा अमीर सब दोनों बराबर है। यहाँ तो आपको मैंने पहले बताया आप पैसा तो खाना नहीं खाना, तो आपने आटा ही है, वही आटा गंदम का जमीन चौकने वाला, बहुत शर्मिंदगी की बात है, दामन की बात है, और फिर उसका खाने के साथ जो अशर तुम करते हो फिर और दामन की बात है, इंसान तो असल में वही वही है, बाकी पैसा आप लोग तुम बताता जाए तो क्या है। अल्लाह ताला ने यहाँ के बड़ा सख्ती से कहा और बेवकूफो अपनी पैदाइश पे गौर किया, तुम किस पानी से बने हुए हो, तुमने गौर किया तुम हो क्या चीज, जाकर अल्लाह ताला ने बताया कि तुम अपने झगड़े फिरते हो असल में, तुम वही लोग हो छोटे से मतलब में तुम इंसान हो, ये तुम्हारे पानी की औकात है, ये तुम्हारी जिंदगी है, और फिर तुमने इसके बाद मिट्टी और हड्डियां हो जाना, तुमने करना क्या है, छोटी किस बात की। तो फिर जब आप अल्लाह की राह में आ जाओ रास हो जाओ, फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बुलंद किया, हम तुझे बदले असल तकलीफ मिलाते, हम तुम्हें बुलंदी दिखाते हैं, और फिर ये बेहतर है कि अच्छा आदमी कौन है जो दुनिया को वाजबी वाजबी करता जाए और अल्लाह की राह में सही चीज, अच्छा पीर होना अच्छी बात है, अच्छा मरीज होना अच्छी बात है, बुरा पीर बहुत बुरी है, बुरा मरीज बहुत बुरी है। आमतौर पर मरीजों ने पीरों को बहुत गुमराह किया, तो पीरों की ये जरूरत दुनिया मरीजों ने बनाई है ना, ये पहले उसको नजराना पेश करते हैं, फिर उसके मतलब मदर से बैठते हैं, फिर उसको महफिल बैठते हैं, फिर उसको करते रहते हैं, मतलब जो आपको पता था नहीं वो आदमी उसके साथ मतलब ऐसे ही छोड़ते काम है, आपके भतीजे में मतलब ये छोड़ते हैं जरूर है, जैसे पहले इसके बाद दुकान देने जाते हो तो उसके बाद चार दुकानें हैं, उसी को किराया थोड़ा ले लें,
फिर जब कहते उठा रही है कोई क्या हाल चाल है कर दे क्या तो लो जी बिस्मिल्लाह हो गया बंदे पे जहाज गुमराही बदलती है तो फिर लोग जन वो डरते हैं सच्चे लोग जो है पीरों के पास जाते हैं कि पता नहीं है पीर क्या चीनी चलाएगा चाकू चलाएगा तो मुरीरी छुरी काट के निकाल लेगा तो इसलिए फिर डर रहता है कि बंदा खुल के जो है ना अब महफिल में आम तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है ध्यान करने वाली बात है। वैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर मुरीद हो जाए ना तो नीचे डिपार्टमेंट वाले लोग वैसे चल जाते हैं इसलिए आगे बात करते बाल आपको बता रहा हूँ दुनिया के लिए पीर की तलाश ना किया करना दीन के लिए करना दीन के लिए तलाश किया ये बताते कुछ दीन है तो दुआ करो कि आपका सफर दीन के लिए हो दुआ करो कि आपकी कोशिशें दीन के लिए हो दुआ करो कि आपकी जिंदगी अल्लाह के लिए हो और आपकी जिंदगी के अमल अल्लाह की रजा के लिए हो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हो आप सब लोग जाए उस रास्ते पर चलने के काबिल हो जाए अल्लाह ताला हम लोगों से दुनियावी जरूरतों में एक दूसरे के साथ धोखा देने से हम बच जाए या रब्बुल आलमीन हमारे काम तू आप ही संभाल और हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा।